नमस्कार साथियों, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री अवधेश अग्रवाल जी, जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सुपरिंटेंडेंट ऑफ इंजीनियर के पद पर रहे हैं और अब एक लंबी अवधि की अपनी सेवाएं देने के बाद सेवानिवृत्त होकर सुकून की जिंदगी जी रहे हैं। और उस सुकून की जिंदगी में बीच बीच में कुछ ऐसे कार्य समाज सेवा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जो थोड़ा सा उनको धार्मिक महत्व के कार्य करने से जो आत्मसंतुष्टि प्राप्त होती है, उन कार्यों को वो कर रहे हैं। ऐसा ही एक कार्य उनके द्वारा किया गया है, जिसका मुझे भी कुछ दिनों पहले उसके बारे में जानकारी मिली थी। मैं अभी दशहरा के अवसर पर अपने होम टाउन नजीबाबाद गया था और अवधेश अग्रवाल जी भी नजीबाबाद से ही बिलोंग करते हैं, तो मुझे अवसर मिला श्री अवधेश अग्रवाल जी के घर जाने का, वहां पर उनके परिवारजनों से मिलने का। और उस मिलन के कार्यक्रम में ही मुझे ज्ञात हुआ कि वहां पर उनके घर के पास में एक भव्य मंदिर है, और उस भव्य मंदिर को जब मैंने विजिट किया तो मुझे पता चला इस भव्य मंदिर को बनाने के पीछे जो प्रेरणा थी वो श्री अवधेश अग्रवाल जी की ही थी। और इस मौके पर मुझे जो मंदिर के पुजारी हैं उनके साथ वार्तालाप करने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई पंडित जी ने कि किस तरह से जो आज मंदिर का स्वरूप दिखाई दे रहा है, कुछ वर्ष पहले यह स्वरूप नहीं था। एक बहुत ही छोटा सा एक कोने में मंदिर था, प्राचीन मंदिर जिसको भगवान शिव का मंदिर कहा जाता है। अवधेश अग्रवाल जी दिल्ली में रहते हैं और जब कभी भी वो अपने घर जाते थे नजीबाबाद, तो उस मंदिर की उस दशा को देखकर वो पीड़ित होते थे। और उस पीड़ा के तहत ही उनके मन में आया क्यों नहीं इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया जाए। तो हमारे साथ आज स्वयं श्री अवधेश अग्रवाल जी हैं। मैं सीधा उन्हीं से बात करता हूँ, उन्हीं से इसके बारे में जानने का प्रयास करूंगा कि ये प्रेरणा उनको कहाँ से मिली, कैसे मिली, और इस मंदिर की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था थी उससे आज की जो भव्य मंदिर की अवस्था में वो आया है, वो उसका इतिहास क्या है। अवधेश जी, आप थोड़ा सा मंदिर की प्राचीन इतिहास के बारे में हमें बताइए कि किस तरह की वहां पहले व्यवस्थाएं थी, किस तरह का मंदिर था, और आपने जो उसका जीर्णोद्धार कराया, आपके परिवार का उसमें बहुत बड़ा योगदान है, थोड़ा सा आप इसके बारे में संक्षेप में बताइए अवधेश जी। ओके, नमस्कार। जैसा कि आपने मंदिर के बारे में मेरे से पूछा, मैं ये थोड़ा सा ब्रीफ में इसके थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। ये जो मंदिर है करीब, मैं समझता हूँ मेरी आयु से ज़्यादा पुराना मंदिर है। मैं आज करीब 64-65 साल का हो रहा हूँ, तो ये मंदिर मेरी राय में 70-80 साल पुराना रहा होगा, जो कि एक खेत हुआ करते थे पहले। ये सारे कोई कॉलोनी नहीं थी, कोटद्वार रोड एक रोड थी सिंपल, दोनों तरफ सब जंगल था। और उस टाइम कभी हम आरएसएस या बीजेपी की शाखा लगती थी तो हमारे चाचा जी वहाँ जाते थे, तो रात को जो आजकल शरद पूर्णिमा आ रही है उस दिन वो आरएसएस की शाखा लगती थी रात को, तो एक आध बार हम उनके साथ गए, तो तब भी वो मंदिर था। उस मंदिर में एक छोटा सा माता का मंदिर बना हुआ था, बहुत छोटा सा 10x10 फुट का, एक छोटी सी माता जी की तस्वीर लगी हुई थी। और वो मंदिर ऐसे ही एक छोटा चबूतरा सा था, लेकिन जब वो कुछ दिनों बाद जिनकी वो जमीन थी उन्होंने इसका प्लॉटिफिकेशन कर दिया। प्लॉटिफिकेशन करने के बाद इस मंदिर को जगह मिल गई, जिसमें आज एक पानी का ओवर हेड टैंक बना हुई है, और वो कॉलोनी काटी गई, उसमें प्लॉट काटे गए, जो कि मैं समझता हूँ 1990 या 2000 के बीच में काटे गए होंगे। उस कॉलोनी के अंदर सारे समृद्ध लोग, संपन्न लोग, सब तरह के वर्ग के लोग रहते हैं, सर्विस क्लास के, रिटायर्ड लोग, बिजनेस फैमिलीज के, और सारे जाति के लोग रहते हैं। जब मैं वहाँ, मेरे भाई साहब रहते हैं उस कॉलोनी के अंदर, 2005-06 में आए थे वो, तो मुझे वहाँ जाने का अवसर मिला और मैंने देखा कि वो एक छोटा चबूतरा बना हुआ है और मंदिर में बिल्कुल जंगल सा था, खड़ा था।
हमारी मदर की डेथ 2011 में हुई थी, तो मैं उस मंदिर में गया तो हमारी मदर कुछ डोनेशन दे गई थी जो कि उस मंदिर में बनाने के लिए जीर्णोद्धार की, जो मदर नहीं दे गई थी वो मुझे पैसे दे गई थी, तो मैंने उसको कह दिया उसको मंदिर में लगा दिया जिससे का जीर्णोद्धार हो जाए। फिर कॉलोनी वालों के अंदर जिज्ञासा हुई और जितने भी कॉलोनी के संपन्न लोग या जो भी लोग साधन उन्होंने चंदा इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया और वो शिवजी का मंदिर शिवालय एक वहां बहुत सुंदर बना दिया गया, वो 2012 एग्जिस्टेंस में आया। उसके बाद 3-4 महीने बाद मैं वहां गया और मैंने देखा कि वहां बहुत बड़ा जंगल खड़ा है, ट्यूबवेल के जो कच्चे कोठे बने हुए थे, कोठरी थी, तो वो प्रेजेंटेबल पोजीशन में नहीं था और उसमें सांप वगैरह घूमते थे, तो मैंने क्यों ना इसको डेवलप किया जाए, फिर इसको और डेवलप किया जाए, तो इसलिए फिर हमने उसको एक हॉल और एक पंडित जी के रेजिडेंस जिससे कि वो मंदिर में 24 घंटे रहे और उसको लुक आफ्टर करे जिससे कि वो मेंटेनेंस रहे और मंदिर को देखभाल कर सके और पूजा कर सके। वो सबसे पहले 2016 के अंदर वो हॉल बनाया गया, उप रेजिडेंस बनाया जो कि हमारे परिवार के सब सदस्यों के सहयोग से और जो वहाँ आर्किटेक्ट एक रहते हैं मिस्टर सत्येंद्र कुमार, उन लोगों का सहयोग रहा और उन्होंने काफी अपना योगदान किया, सभी तरह का योगदान किया तन मन धन से और वो हॉल बना दिया और वो पंडित जी के रियाज उसके बाद डेवलपमेंट होता चला गया। तो इस तरह मंदिर की मैं थोड़ा बताया कि इसके पीछे कैसे था, इसमें लोकल लोग जो पुराने लोग रहते थे आसपास। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगा। इस पूरे विवरण में हमने मंदिर की बात तो की लेकिन हमने उस स्थान की बात नहीं की जहां पर ये मंदिर है, तो मैं अपने दर्शकों को सिर्फ बताने के लिए बता दूं कि आप नजीबाबाद से जब कोटद्वार की तरफ जाएंगे तो कोटद्वार रोड उसको बोला जाता है और उस रोड के ही किनारे थोड़ा आप हटके चलेंगे तो सुल्ताना डाकू का किला भी पड़ता है नजीबाबाद में, बिजनौर में और आई थिंक पूरे भारत में बहुत प्रसिद्ध है सुल्ताना डाकू का किला। तो सुल्ताना डाकू के किले से पहले ही जब नजीबाबाद की जब सीमा शुरू होती है 2-3 किलोमीटर पहले ही वहां पर ये गीता नगरी नाम से कॉलोनी है जिसके अंदर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। हाँ, उसके पास में सेंट मैरिज स्कूल है और थोड़ी सी लोकेशन मंडी समिति की, हाँ मंडी समिति है, मंडी समिति के एकदम नजदीक में ये गीता कॉलोनी है और जिसमें ये मंदिर का निर्माण आपने कराया है और आपके परिवार के अन्य सदस्यों का भी उसमें बहुत बड़ा योगदान है, साथ में कॉलोनी के जो रहने वाले निवासी हैं उनका भी योगदान है। और इसके पास में ही नजीबाबाद का एक प्रसिद्ध सिनेमा हॉल भी पड़ता है जिसे भारत टाकीज कहते हैं। तो ये लोकेशन मैंने कुछ इसलिए बताई ताकि हमारे दर्शकों को उस लोकेशन को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो। तो अवधेश जी, जैसे आपने बताया था कि 2016 के आसपास आपने हॉल का निर्माण कराया, तो और किस तरह के निर्माण जो सिर्फ आपके द्वारा किए गए मंदिर के अंदर वो कब कब किए गए, किस कौन से मंदिर हैं और उसके बाद और किन लोगों ने उसमें अपना योगदान दिया? क्योंकि आज जब मैं वहां गया था तो मुझे उसकी भव्यता देखकर, वहां की साफ सफाई देखकर, पंडित जी के साथ मुझे बैठने का अवसर मिला, बहुत अच्छा स्वागत उन्होंने किया, चाय नाश्ता हमें कराया, सबसे बड़ी बात यह है। और हाँ, एक विषय मैं आपके सामने और रख दूं, वहां पर मुझे शलभ अग्रवाल जी भी मिले जो आपके भतीजे हैं और बड़ा अच्छा सत्कार उन्होंने हमारा वहां पर किया, अपने वो घर पर ले गए बड़े प्रेम से मोहब्बत से, उन्होंने भी चाय नाश्ते का इंतजाम कराया, तो एक बहुत अच्छी यादगार रही। तो आगे की यात्रा मंदिर निर्माण की कैसे रही, थोड़ा सा संक्षेप में आप उसके बारे में हमें बताइए। मैं आगे जो मंदिर के बारे में बताना चाहता हूँ कि फिर वो हॉल और वो सब बनने के बाद हमने ये डिसीजन लिया था कि जो भी कार्य होगा वो क्लास 1 कैटेगरी का होगा, कंस्ट्रक्शन होगा विद ऑल मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज के साथ, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक ही बार होता है, बाद में फिर इन संस्थाओं में कोई इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं।
जब एक बार जो चीज बन जाती है दोबारा काम जोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। तो जो भी हमने काम कराया वहां के जो कॉलोनी के जितने भी लोग हैं, पवन अग्रवाल है, एक जो सिद्धवली सरिया में काम फैक्ट्री है कोटद्वार में, सलभ है, हमारे अशोक बड़े भाई साहब अशोक कुमार अग्रवाल थे, वो पायनियर नेता थे, एक्स्ट्रा वो थे अग्रणी जिसे कहते हैं कि लीड करने वाले, एक गुप्ता जी और एक पवन अग्रवाल, और भी कॉलोनी के नाम मैं नहीं जानता सदस्य है, सबने बहुत ही एक्टिवली काम किया और सबने कंट्रीब्यूशन भी किया फाइनेंशियली भी। और लेकिन जो दो तीन आदमी थे उन्होंने बेसिकली बहुत रात दिन बैठ के उसको उसका कंस्ट्रक्शन लुक आफ्टर किया, और जो हमारे आर्किटेक्ट हैं मिस्टर सत्येंद्र कुमार जो वहीं उसी कॉलोनी की तरह उनका मकान है, उनका बहुत बड़ा योगदान है। और उनकी जो कह सकते हैं फौज है उनके पास जो कंस्ट्रक्शन के वर्कमैन है वो बहुत ही प्रवीण है, बहुत सफाई से काम करते हैं। तो जो पेंटिंग रोगन कंस्ट्रक्शन यहाँ तक कि बहुत ही इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत लोगों ने फ्री में काम किया है, और जो हमसे उन्होंने बहुत कम चार्जेस लिए हैं, मतलब कि अपनी लेबर भी नहीं लिया और फ्री में काम किया। तो इसी तरह से सब लोगों को मिलकर, और सब लोग बहुत ही शांति प्रिय हैं, कॉलोनी में कोई झगड़ा नहीं है कोई, और बहुत साफ सुथरी है जैसा आपने देखा भी होगा। उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई हम इसके अंदर एक हनुमान जी का मंदिर बना देते हैं कि दो दक्षिण दिशा में उसका मुंह हो। तो वो एक ऐसी जगह थी कि वही जगह ऐसी बची जहां वो फिट बैठ सकता। उसके लिए मैं दिल्ली में, यहाँ से हमारे भगवत धाम है मयूर विहार के पास, वहां से वो डिजाइन ले गया और वो मैंने व्हाट्सअप किया और मैंने आर्किटेक्ट को बोल दिया कि भाई इस तरह का वो मंदिर बनना चाहिए जो हमारे परिवार ने मिलके बनाया, मतलब सलभ एंड हमारे जितने भी भाई उन्होंने वो मिलके उसको मंदिर को बनाया। तो हमारे भाई साहब उस टाइम अशोक कुमार जी जिंदा थे, लेकिन वो उसको देख नहीं पाए जब उसका उद्घाटन हुआ। तो वो हमने मंदिर, हमारे परिवार सदस्य ने कहा कि भाई इसको भव्य मंदिर बनाइए, तो वो हमने उसको बनाया, वो हनुमान जी का मंदिर बन गया। उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि भाई नजीराबाद में कोई साई मंदिर नहीं है अलग से, कोई मूर्ति तो रख सकता है। ऐसा महसूस किया गया कि जैसे लोग शिरडी जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, तो एक छोटा सा साई मंदिर हमारी वाइफ ने कहा एक बनवा दीजिए इसके अंदर तो अच्छा रहेगा। तो फिर वही आदमी सब मिलके, मतलब तो टीम वही रही सारी सारी, और सब लोगों ने तन मन धन से सब मिलकर वो साई मंदिर भी बना दिया। तो इंस्पिरेशन रहा, मेरा प्रेरणा रही, कैटलिस्ट भी रहा, तन मन धन रहा, मैं प्लानिंग डिजाइनिंग एज इंजीनियर था तो कैसे कैसे बनना क्या क्या बनना वो उस हिसाब से हमने उसको पूरा कार्यान्वित किया इस चीज को, जो आज का स्वरूप निकल गया। यदि आप यदि उस जगह को पहले देख लेते तो शायद आप डर जाते। ऐसे प्लांट, आप आम के पेड़ आपने देखे होंगे, बहुत बड़े पेड़ है, तो उसका नीचे क्या रहा होगा वो तो आप जानते ही होंगे। तो ये हमारा इस तरह से चला। जी जी, और देखिए मैं खुद उस मंदिर को देखकर आया हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा है, और जिस तरह से व्यवस्थाएं वहां पर हैं, हनुमान जी का मंदिर, साई मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर, शिव जी का मंदिर, और कुल मिला के जो बाहर चबूतरा जिस तरीके से बनाया गया है वहां पर बैठ के काफी लोग सत्संग कर सकते हैं, सामने पार्क है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए कि आपने इन धार्मिक कार्यों के प्रति अपनी रुचि दिखाई, और दिल्ली में रहते हुए आपने अपनी अपनी जो मातृभूमि है नजीबाबाद वहां पर के लिए कुछ कार्य करने की आपने सोची, और आपने जो एक मंदिर उस अवस्था में था जो बहुत अच्छी अवस्था नहीं कही जा सकती है उसको एक नया रूप दिया, और उसकी प्रेरणा स्रोत आप बने, आपको देखकर अन्य लोग भी उसमें जुड़े। एक मिनट में एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि जो राधा कृष्ण का मंदिर और एक माता का मंदिर था, वो जमीन खाली पड़ी थी बैरन लैंड टाइप की, तो उसमें हमारे जो अंकल है वो उनका योगदान रहा, कैलाश चंद जी और आशेंद्र विपुल एंड अलोक उनके लड़के, उन्होंने उसको काफी भव्य मंदिर बनाया, और उसकी वजह से वो मंदिर का रूप और ही बढ़िया निखर के आया, और सारा जो लॉन उसकी जो बैट्स वगैरह है वो सारा कभी कभी प्लांट में दिल्ली से भी ले गया हूँ, और जो वहां लगाने के लिए उसको ऐसे मेंटेन किया भी इनिशियल स्टेज पे ट्यूबवेल वगैरह, तो जिससे कि वो कम से कम परमानेंट अब जो है इस तरह का मंदिर बन गया है कॉलोनी वालों के लिए, उसमें 200-300-400 आदमी तक का ही फंक्शन किया जा सकता है, और वहाँ सोशल समाज के सेवा को बहुत अच्छा काम करेगा। बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बर्थडे पार्टी होती है, शादी होती है, किसी की तेरी होती है, किसी की और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, हॉल बना हुआ है, एवरीथिंग इज देयर।
तो मैं समझता हूँ कि वो अब कंप्लीट हो गया है, अब मैं और फर्दर काम की गुंजाइश नहीं समझता हूँ। कॉलोनी वाले उसको अच्छा मेंटेन करेंगे, लाइटिंग वगैरह अरेंजमेंट बहुत अच्छा है, तो इन सब को देखते हुए सब लोगों का बहुत योगदान रहा है और बहुत लोगों ने चाव से कार्य किया है। हालांकि मैं समझता हूँ कि कुछ ही लोग होते हैं, 4-5 लोग जो उसको लीड करते हैं, बाकी सब लोग तो सहयोग करते हैं क्योंकि लोगों का टाइम भी कम है। फिर भी सब लोगों ने के कॉपरेशन से वो मंदिर आज इस शेप में आया कि जो एक नजीबाबाद है, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत मंदिर देखे हैं, बड़े हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है, लेकिन जिस तरह कॉम्पैक्ट और प्रेजेंटेबल और उसकी जो सफाई, पंडित जी का भी इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उनके परिवार, उनकी वाइफ, बच्चों का, कि जो हर समय उसमें सफाई करते रहते हैं, एक पर इतने पत्ते बंदर गिरते हैं, इतनी सफाई करके रखते हैं, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा, इतना वहाँ लोग पंडित जी उस पर मेहनत करते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है इसके। धन्यवाद अवधेश जी, आपने अपनी उस जर्नी को हमारे साथ शेयर किया जो एक पुराने मंदिर से एक नए मंदिर में तब्दील होने की एक कहानी है, और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इसी प्रकार के और सामाजिक धार्मिक कार्यों में आप अपनी रुचि अनुसार योगदान देते रहेंगे ताकि समाज को उसका एक प्रतिफल मिलता रहे। आज के हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अवधेश जी। धन्यवाद, नमस्कार।